महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैनविन फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई मुहिम अब रंग लाने लगी है। आज कैनविन फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं को सशक्त बनाने के बाद पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं को शॉर्ट टर्म कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 350 महिलाओं ने 3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन किया था, जिसमें 80 महिलाओं ने स्कॉलरशिप भी हासिल की है। वहीं कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल की माने तो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का नतीजा है कि आज 350 महिलाएं अपना खुद का सिलाई, ब्यूटी पार्लर, नेल आर्ट समेत अन्य व्यवसाय शुरू करने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। आज राजेंद्र पार्क में स्थित कैनविन फाउंडेशन के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी खुशी एक दूसरे के साथ जाहिर की। नवीन भाई के जन्मदिन पे 25 फरवरी को हमने कैनविन महिला कौशल विकास केंद्र की शुरुआत की थी, जिसमें करीबन 350 महिलाओं ने सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर का कोर्स जो शुरुआत हुई थी उसका आज एक बैच हमारा पूरा हुआ है, जिसका पहला दीक्षांत समारोह यहाँ हमने आयोजित किया था, जिसमें 350 महिलाओं में 70 महिलाओं ने स्कॉलरशिप हासिल की है, जिसमें पूरी फीस जो 200 रुपये महीने की फीस थी वो हमने उसको रिफंड देने का कार्य किया है। देखिए आज गुरुग्राम में जब तक महिला और पुरुष दोनों नहीं कमाते तो घर का गुजारा नहीं होता, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। गुरुग्राम महंगाई वाला शहर है, तो इसमें हमारा प्रयास रहा है कि महिलाओं को भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, उनमें आत्मविश्वास जागृत करने के लिए कैनविन फाउंडेशन की ये मुहिम है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि पहले बैच की सफलता के बाद हमें भी उत्साह मिलता है, हमारे को भी एक नया लक्ष्य हमारे को मिला है कि हमारे को गुरुग्राम में इस तरह के और सेंटर भी खोलने चाहिए, जिससे कोने कोने में महिलाओं को जागृत करने का, उनमें आत्मविश्वास जगाने का काम कैनविन फाउंडेशन और ऊर्जा के साथ कर पाए। फर्स्ट बैच में गया था मार्च में, फर्स्ट मार्च को फर्स्ट डे था हमारा, नवीन सर के बर्थडे वाले दिन हमने एडमिशन करवाया था यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सीख के, बहुत अच्छे से सिखाते हैं यहाँ के टीचर, बहुत अच्छे हैं स्टाफ, बहुत अच्छा है, स्टूडेंट भी पूरे बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे सीखते हैं, बहुत अच्छा है। और बाहर मैंने पता कराया है, मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा कि बाहर जाके हम सीखे, बट यहाँ पे हम हर किसी को रेकमेंड करते हैं कि यहीं पे आके, जिसके बजट नहीं है यहाँ मतलब बाहर करने का, तो वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। नेल आर्ट का जब सीखा, मतलब सोच लगता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, नेल आर्ट का एंड भी नहीं आता था। यहाँ पे आई, यहाँ की टीचर्स बहुत अच्छी है, स्टाफ भी, बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छी मैम से भी बॉन्डिंग बनी है, मतलब बहुत अच्छे से एक प्रोफेशनल तरीके से इतना सीख लिया कि मतलब हम अपना भी कर सकते हैं, मतलब 100% कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा। कोर्स पूरा करने के बाद कैनविन फाउंडेशन की तरफ से दिए गए सम्मान को पाकर महिलाएं बेहद खुश दिखाई दी। महिलाओं की माने तो यहाँ महंगे कोर्स को उन्हें नाम मात्र की फीस पर करवाया गया है। ये फीस भी स्कॉलरशिप पाने वाली 80 महिलाओं को वापस की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्स को करने के बाद उनमें आत्मविश्वास जागा है और वो स्वावलंबी बनने की कगार पर हैं। वो स्वावलंबी होकर आजीविका अर्जित करने के लिए आगे आई हैं। वहीं एक महिला ने बताया कि वो अपनी बहू के साथ कैनविन फाउंडेशन में कोर्स करने के लिए आई थी। उन्होंने सिलाई का कोर्स सीखा है, जबकि उनकी बहू ने पार्लर का कोर्स किया है। अब दोनों मिलकर अपना व्यवसाय करेंगे और परिवार की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान देंगे। सिलाई कर लिया हुआ है, बहुत कुछ सिखाया है, जेंट्स पैंट भी मैंने बनाई है, अच्छा सिखाया है। नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, शौक लगता है कि नहीं हम साथ में जाएं करें, ऐसी तो कोई वो नहीं है, सबका अपना अपना नेचर है। तो जैसे खड़े होके बोलना आया, मैं तो कभी बाहर भी नहीं निकले क्योंकि हम लोग पहले से थोड़ा राजपूत है, तो थोड़ा सा पुराने ख्याल। और देखो अब मुझे तो है कि मैं सिलाई का अपना खोलूँ, तो हम दोनों उसमें ही अपना कर लें मिलके। दूसरी जो सास है या बहू है, उनको क्या सलाह दें, क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? देखो सब मिलके रहो, मुझे तो अच्छा लगता है, लड़ाई झगड़ा ना हो हमें, तो मुझे तो ये है प्यार से रहो। पार्लर में लिया था एंड 1 मार्च को लिया था, 3 महीने का कोर्स था, बहुत कॉन्फिडेंस आया एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ भी नहीं आता अभी तो, कुछ नहीं है, करेंगे आगे। मम्मी का ये आइडिया था, मैं सिलाई पे जा रही हूँ तो तू भी चल, मम्मी तो सिलाई का करेंगी। नेल आर्ट का किया, ब्यूटीशियन का करा, मैंने दोनों करा है, और दोनों ही मतलब बहुत अच्छे से मैम की हमारी अच्छे से टीच किया हमें, अच्छे से हमने सीखा है, और हम बिल्कुल एकदम आज हमें देख रहे हमें ये मिला हुआ है सर्टिफिकेट,
जो मैं इतना अच्छे कोशिश कर रहे हैं। सर मेरे पहले से ही थी, लेकिन क्या था थोड़ी ये पैसे की थोड़ी दिक्कत थी, हम पूछ कर आए थे वहाँ पे, ये 450 का राउंड हमारा ये था, फिर हमने छोड़ दिया। एक दिन मैसेज देखा नवीन गोयल जी के, आप मैसेज देखा फ़ोन पर आया, तो फिर हम यहाँ पर आए अकेडमी, फिर हमें यहाँ पे बात की, यहाँ के बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के। हम जैसे मैम ने अच्छे से बताया, इसको कोई बात पैसे देके भी नहीं बता सकता। मुझे लगता है यहाँ से कोर्स करने के बाद क्या लगता है जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव सर बदलाव अभी आ गया है। हम अभी से ये आप देख सकते हो, जैसे हमने सिखाया, मैंने नहीं सिखाया ये चीज़, अभी हम इसी से हम पैसे कमाने लग रहे हैं, अभी से स्टार्ट हमने कर भी दिया सर हमने। बहरहाल महिलाओं के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। वहीं कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डीपी गोयल की माने तो जल्द ही गुरुग्राम के अलग अलग स्थानों पर इस तरह के और भी सेंटर खोले जाएंगे और महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, जिससे देश और समाज को एक नई दिशा और नई दशा मिल सके। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।